इंक्वायरी पूरे प्रदेश भर में पूरी जो हमारी छः की छः कमिश्नरेट है उनमें हुई है और अभी कोई एक्शन इनिशिएट ही नहीं हुआ। शो को नोटिस इशू करेगी वही, अगर गलती किसी ने नहीं करी ना जवाब देखें उसको, इस तरह से टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर कोई गलती करे बैठा है वो ये सोचता है कि धरने प्रदर्शनों से गलती छुप जाएगी तो वो फिर उसकी गलती है। हमने तो सारे प्रदेश में 7A के अंदर इरेगुलरिटीज को मॉनिटर करवाया था और एक प्राइमरी रिपोर्ट कमिश्नर की तरफ से हमारे पास आई, उसका जवाब तहसीलदार भी है, नायब तहसीलदार भी है, क्लर्क्स भी है, पटवारी भी है, सबसे मांगा है। मैं तो चाहूँगा कि प्रदेश में हमारा लक्ष्य है कि क्लियर गवर्नेंस मिले और उसके अंदर तमाम अधिकारी भी अपने घोटाला है, इरेगुलरिटी है, वो किस लेवल की है वो एकदम कहना तो पॉसिबल नहीं है। अब तो शो कॉज इशू हुए कहीं पर पटवारी द्वारा कोई एंट्री गलत करी गई है, कई बार रेवेन्यू क्लर्क ने डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं करी, कई बार सब रजिस्ट्रार ने सारी ऑब्जेक्शन के बाद भी रजिस्ट्रियाँ करी हैं। एक एक को मॉनिटर किया जाए। ये आंकड़े वो है जिनके अंदर कमिश्नर्स को ये लगा कि रेगुलरिटीज हो सके। कोर्ट में इसमें चर्चा नहीं हुई क्योंकि कोर्ट में कोई अर्जेंट मैटर्स लगे, जैसे ही चर्चा होगी उसके बाद ही क्योंकि सब लिटिगेशन मैटर है और सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा वाली पिटीशन पे देश की जितनी ऐसी रिजर्वेशन कह लीजिए जो स्टेट्स ने लागू करी उसकी जॉइंटली अब पिटीशन सुप्रीम कोर्ट से नई प्रक्रिया के यहाँ पर ही हम चुनाव कराएंगे और जैसे ही माननीय न्यायालय हमारी सुनवाई करके फैसला देगा हम तैयार हैं चुनाव।